नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपसे सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पूछती हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्तर दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? जी बिल्कुल सही, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या इन्हें हम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी जी किस पार्टी से संबंधित हैं? बिल्कुल सही, भारतीय जनता पार्टी। और वर्तमान में हमारे भारत में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है। प्यारे बच्चों, आज हम इसी विषय को पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 6 के राजनीतिक विज्ञान के अध्याय सरकार क्या है इसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि सरकार क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं अध्याय सरकार क्या है। इस अध्याय के लिए जो सीखने के प्रतिफल निर्धारित किए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। सरकार की विभिन्न स्तरों की समझ, स्थानीय और राज्य स्तरीय सरकार का तुलनात्मक विश्लेषण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया की समझ। प्रिय बच्चों, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। प्राय इसके तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राज शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। प्रिय बच्चों, सरकार किसी लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। निर्णय लेने तथा काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़कें कहाँ बनानी हैं, कैसी बनवानी हैं, कितने स्कूल खोलने हैं, कितनी तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी हैं जिनसे उनकी दशा सुधारी जा सके आदि। सरकार को कई सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेना होता है। उदाहरणतः सरकार गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाती है। जब दो सामाजिक गुटों में झगड़ा होता है तो सरकार को कुछ निर्णय लेने होते हैं। सरकार का देश की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाना पड़ता है। इसे अपने पड़ोसी देश से मधुर संबंध भी रखने पड़ते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि हर नागरिक को समुचित भोजन व्यवस्था मिल रही हो। किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत कार्य भी पहुंचाना पड़ता है। सरकार को नियम कानून बहाल करने पड़ते हैं ताकि सभी लोगों में भाईचारे का वातावरण बना रहे। प्रिय बच्चों, आइए जानते हैं सरकार के विभिन्न स्तरों के बारे में। सरकार के विभिन्न स्तर हैं, जैसे केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर। यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। केंद्र सरकार देश की राजधानी नई दिल्ली में काम करती है। दूसरा है राज्य स्तर। हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्य के अधीन आने वाले सभी मुद्दों को राज्य सरकार देखती है। प्रिय बच्चों, जैसे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार। जिला स्तर पर सरकार चलाने का काम सरकारी अधिकारियों के हाथ में है। इन अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाता है, यानी सिविल सर्वेंट कहा जाता है।
सरकारी अधिकारी का काम है विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल करना। सरकार का जो सबसे निम्नतम स्तर है वह है गांव स्तर। गांव के स्तर पर सरकार का मुखिया सरपंच होता है। गांव के स्तर की सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं। इसका काम है स्थानीय मुद्दों को देखना। प्रिय बच्चों, आप सभी में से कुछ बच्चे जरूर गांव से संबंध रखते होंगे। आपने देखा होगा कि गांव में घटने वाली घटनाओं या गांव की समस्याओं को गांव का सरपंच पंचायत बुलाकर हल करता है। यानी इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम स्तर पर सरकार का मुखिया सरपंच होता है। तो आपने देखा, किसी देश में गांव से लेकर राष्ट्र स्तर तक सरकारें अलग अलग कार्य करती हैं। गांव स्तर पर पंचायत होती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार कार्य करती है, जिसे हम केंद्रीय सरकार भी कहती हैं। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं ना वर्तमान में केंद्रीय सरकार किसकी है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम समझते हैं कि सरकार का कानूनों के साथ क्या संबंध है। यानी अगला जो विषय हम पढ़ेंगे वो है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करने की भी होती है। उदाहरण के लिए, एक कानून है कि गाड़ी चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। यानी सरकार कार्रवाई कर सकती है अगर हम कानूनों का सही तरीके से पालन ना करें। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को पता लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। आइए अब पढ़ते हैं सरकार के प्रकारों के बारे में। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। प्रिय बच्चों, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। यानी लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार और यह सरकार लोगों के नुमाइंदे चलाते हैं जिनको लोग चुनकर भेजते हैं। लोग ऐसा चुनाव करते हैं जिसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोगों को चुना जाता है। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों या उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान
राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णय के लिए सफाई देनी पड़ती है। प्रिय बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे भारत में किस तरह की सरकार है। प्यारे बच्चों, हमारे भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। प्रिय बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना शासन जमा लिया था और कई सालों के लंबे प्रयास के बाद भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसमें ही यह प्रावधान रखा गया कि भारत में चुने हुए लोगों की सरकार कार्य करेगी। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह था कि औरतें, गरीब लोग और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो नियम ये गिने चुने लोग बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। इसलिए भारत में बाद में वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया। प्रिय बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या इससे ऊपर की आयु वाले सभी स्त्री पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के अपना मत प्रयोग करने का अधिकार है। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हर नागरिक के वोट की कीमत एक समान होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह पुरुष हो या महिला, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा जाति से संबंध रखता हो। प्रिय बच्चों, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया। स्वयं भारत देश भी, जिसमें हम रहते हैं, वह भी इसका एक उदाहरण है। तो प्रिय बच्चों, पाठ को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर जानते हैं। सामने दिखाए गए कथन मैं आपको बता रही हूँ। इन कथनों में से आपने चुनना है कि ये कथन सही है या गलत। पहला कथन है, सरकार यह निरीक्षण करती है कि सभी को पीने का पानी समुचित मात्रा में मिलता है या नहीं। जी हाँ प्यारे बच्चों, पीने का पानी हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है और ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, तो यह उत्तर बिल्कुल सही है।
बिजली का वितरण सभी के पास पहुंच रहा है या नहीं। बिल्कुल सही है, सरकार स्कूल बनाती है ताकि ज्यादातर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। सही, सभी को उचित स्वास्थ्य सेवा मिल सके इसके लिए अस्पताल का निर्माण करना सरकार का कार्य है। बिल्कुल सही, प्राकृतिक विपदा जैसे भूकंप, सुनामी आदि के समय सरकार ही मुख्य रूप से पीड़ितों की सेवा करती है। बिल्कुल सही, रेल और डाक सेवाओं के संचालन का काम भी सरकार का होता है। सही, प्रिय बच्चों, रेडियो और फिल्म रिलीज करना सरकार का कार्य है? नहीं, यह सरकार का कार्य कतई नहीं है। प्रिय बच्चों, आइए अब कुछ प्रश्न देखते हैं जिनमें आपको विभिन्न उत्तर दिए गए हैं और उनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न है, किसी भी देश को सरकार की जरूरत क्यों होती है? विभिन्न तरह के निर्णय लेने और काम करने के लिए, दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए, लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, या ये सभी? प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि ये सभी कार्य सरकार के होते हैं। सरकार किन किन स्तरों पर काम करती है? 3 स्तरों पर, 4 स्तरों पर, 5 स्तरों पर अथवा 2 स्तरों पर? सरकार जो है वो 3 स्तरों पर काम करती है। सरकार कितने तरह की होती है? 4 तरह की, 5 तरह की, 2 तरह की या 3 तरह की? सरकार 2 तरह की होती है। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, शासक कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा चुने जाते हैं, शासक अपने आप बन जाता है या इनमें से कोई नहीं? प्रिय बच्चों, इसका उत्तर है शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, शासक द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए शासक का शासन या जनता द्वारा शासक के लिए जनता का शासन? प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। भारत में पहली बार किस पार्टी की सरकार बनी? जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी या युवा मोर्चा दल? प्रिय बच्चों, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी। प्रिय बच्चों, आइए कुछ और प्रश्नों से इस पाठ को और अच्छे से समझते हैं। सामने दी गई तालिका में कुछ कथन दिए गए हैं, क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कथन सरकार के किस स्तर से संबंधित है? उसके आगे निशान लगाएं। प्रिय बच्चों, कथनों के आगे 3 कॉलम बने हुए हैं, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय सरकार। आपको बताना है कि लिखा गया कथन किस सरकार से संबंधित है। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय कौन सी सरकार का है? बिल्कुल सही, ये राष्ट्रीय स्तर का है। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। प्रिय बच्चों, पश्चिम बंगाल सरकार की बात चल रही है तो यह है राज्य स्तर का होगा। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाओं को शुरू करने का निर्णय। प्रिय बच्चों, रेल सेवा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है इसलिए यह राष्ट्रीय होगा। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय।
प्रिय बच्चों, मैंने आपको बताया था कि गांव में पंचायत काम करती है, तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय स्तर का। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय राज्य स्तर का होगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय हरियाणा सरकार की बात हो रही है, तो सही उत्तर होगा राज्य सरकार। 1,000 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सरकार, क्योंकि राष्ट्रीय सरकारों से जो है वो वित्त संबंधी मामलों की उम्मीद की जाती है। प्रिय बच्चों, अब आप सामने दिए गए भारत के मानचित्र में भारत के कुछ पड़ोसी राज्यों को देखेंगे। प्रिय बच्चों, यह जो सामने भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, इसमें जो इंगित हो रहे देश हैं, उनमें सबसे पहले है पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। प्रिय बच्चों, जो नीचे नीला भाग दिखाई दे रहा है, उसमें पश्चिम की तरफ अरब सागर है और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। सात बहनों वाली हिस्से की तरफ, सेवन सिस्टर्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, उस तरफ म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था। भारत के मानचित्र के साथ ही तीन और पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो प्रिय बच्चों, आपने देखा कि ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। प्रिय बच्चों, आइए अब आपको मैं भारत के मानचित्र में राजधानी दिल्ली दिखाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यह भारत की राजधानी भी है। भारत के मानचित्र में आप अभी अपने सामने दिल्ली की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली है। प्रिय बच्चों, इसके अलावा विभिन्न राज्यों को भी आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। भारत में पूर्व की ओर जो 7 राज्य हैं, इन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। इस मानचित्र को समझाने का आपको अभिप्राय यह है कि संपूर्ण भारत की जब हम बात करते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य सरकार काम करती है। प्रिय बच्चों, आइए एक और रुचिकर प्रश्न करते हैं। ये आपका अभ्यास का प्रश्न है। प्यारे बच्चों, ये अखबार की कुछ सुर्खियां आपको दिखाई गई हैं। अखबार की इन सुर्खियों के आधार पर हमें बताना है कि सरकार के ये किस कार्य की ओर इंगित कर रहे हैं। पहली जो सुर्खी है वो है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। प्रिय बच्चों, अखबार की यह सुर्खी यह बताती है कि सरकार का दायित्व है कि जो मजदूर हैं या जो श्रमिक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। दूसरी सुर्खी की ओर चलते हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्रिय बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार का ये कार्य होता है कि जिन स्थानों पर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आप जानते हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि, तो जहां पर इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वहां के लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराना सरकार का कार्य होता है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। प्यारे बच्चों, अक्सर यह सुर्खी आपको अखबारों में देखने को मिल जाती है। अखबार की यह सुर्खी यह बताती है कि किस तरीके से सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई और उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उन सब्जियों के दाम तय किए, अर्थात सस्ती कीमत पर
सब्जियां उपलब्ध कराना या सामान उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगली सुर्खी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। प्रिय बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में न्याय प्रणाली काम करती है और इसमें जो न्यायाधीश काम करते हैं उनको नियुक्त करने का कार्य भी सरकार का होता है। अगली सुर्खी देखते हैं, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। यानी सरकार का कार्य ये भी होता है कि जो विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, जो लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए हैं, उनको सरकार को कब पुनर्गठित करना है, कब उनमें संशोधन करना है, ये सब सरकार के कार्य होते हैं। अगली सुर्खी देखिए, सरकार ने 15,000 से अधिक गांव को सूखाग्रस्त घोषित किया। प्रिय बच्चों, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सूखा, बाढ़, सुनामी या तूफान जैसी स्थिति में जहाँ जान और माल का नुकसान हो जाता है, वहाँ की हालात सुधारने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और इसी से संबंधित है ये खबर। इसमें क्या कह रहे हैं, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, अर्थात जिन 15,000 गांव में बारिश ना होने की वजह से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उनको सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और अब उनमें राहत कार्य जो है सरकार अपने स्तर पर चलाएगी। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरीके से स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सरकारें काम करती हैं। आपने इस अध्याय से ये भी जाना कि कैसे भारत में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारों का चुनाव होता है। आपको इससे यह भी पता चला होगा कि राजतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस अध्याय का आनंद उठाया होगा और आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।